हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैंसर का ट्रीटमेंट है वो कितने लंबे टाइम तक चलता है। अगर आपका किसी भी तरह का कैंसर हुआ है तो वो ट्रीटमेंट सब लोग जानना चाहते हैं। मुझे कमेंट्स भी आते हैं कि ये कैंसर का ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है, ये कब तक चलेगा, कितना टाइम लगेगा इसमें। तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपके कैंसर के टाइप्स पे। सबसे पहले तो डॉक्टर आपसे कहेंगे, अगर आपको कैंसर है, सबसे पहले आपके टेस्ट होते हैं। टेस्ट में जब पता चलता है, जब रिपोर्ट्स आती हैं, जब वो लेके आप डॉक्टर के पास जाएंगे, उसे देखेंगे डॉक्टर, तो फिर डॉक्टर आपको बता पाएंगे कि आपको किस तरह का कैंसर है, उसमें आपको किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा और इस ट्रीटमेंट में कितना टाइम लगता है। देखिए, किसी का इनिशियल स्टेज पे होता है तो उसमें क्या होता है, उतने ज़्यादा ट्रीटमेंट में सिर्फ हो सकता है आपको सर्जरी दी जाए, सर्जरी के बाद आगे की आपको ज़रूरत नहीं होती है ट्रीटमेंट की, तो उसमें तो शायद 1 महीना लगता है। 1 महीने में आप रिकवर कर जाते हैं, सर्जरी होगी, सर्जरी के बाद रिकवर होने में 1 महीना लग जाता है, उसमें आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और उसके बाद ज़्यादा कुछ दिक्कत है तो हो सकता है आपको सर्जरी के बाद रेडिएशन दिए जाए, कीमो स्किप किए जाएँ, तो फिर उसमें भी आपको 2 महीने या 3 महीने लगेंगे। सर्जरी जब 1 महीना हो जाएगा उसके बाद आपको रेडिएशन दिए जाएंगे। रेडिएशन भी डिपेंड करता है आपकी बीमारी टाइप्स पे कि किस तरह की है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 15, 20, 25, 30 बस इतने रेडिएशन दिए जाते हैं, वो भी 1 महीने के अंदर हो जाते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना लगेगा। लेकिन अगर कीमो लग रही है आपको तो वो किस तरह की कीमो लगती है, किसी को डेली डेली लगती है, किसी को 21 दिन में एक लगती है, तो ये डॉक्टर बता पाते हैं आपको। तो वो प्रोसीजर आपको, अगर सर्जरी कीमो रेडिएशन है तो वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा चलता है। अगर मैं अपनी बात करूँ, जैसे आप जानते हैं मुझे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था और एडवांस स्टेज में था, तो मुझे जो है सर्जरी हुई थी, फिर कीमो दी गई थी, फिर रेडिएशन हुआ था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे कितना टाइम लगा तो मैं ये आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ सके। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था, तो मुझे सर्जरी, कीमो, रेडिएशन सब कुछ हुए थे। तो मैंने जो स्टार्ट किया था, टेस्ट जो मेरे स्टार्ट हुए थे वो दिसंबर से हुए थे, तो दिसंबर से लेके अक्टूबर तक मेरा ट्रीटमेंट चला था। दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी से लेके अक्टूबर लास्ट तक, तो मुझे 11 महीने लगे थे टेस्ट से लेके कंप्लीट होने में रेडिएशन तक। जो है पहले मेरी सर्जरी हुई, फिर कीमो हुई, रेडिएशन हुए। जैसे आप जानते हैं सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद, सर्जरी तो 1 दिन का काम होता है, कुछ घंटों का काम होता है, उसके बाद रिकवर होने में टाइम लगता है, तो 3 हफ्ते ले लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू हो जाता है। फिर मुझे कीमो लगी थी, कीमो मुझे 6 महीने तक लगती थी, 21 दिन में एक कीमो लगती थी, तो उसी हिसाब से मुझे 8 कीमो लगी थी, तो उसमें 6 महीने लगे थे। और उसके बाद जो है, जैसे ही मेरी लास्ट कीमो लगी थी उसके 21 दिन हो गए थे, उसके बाद मुझे रेडिएशन दिए गए थे, तो रेडिएशन मुझे 15 या 16 दिए गए थे, तो फिर उसमें भी 1 महीना रख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उस ये सारा का सारा प्रोसीजर मिला के मुझे कम से कम 11 महीने लगे थे पूरा का पूरा ट्रीटमेंट लेने में। तो जैसे मैंने बताया, ये डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की बीमारी है, आपको किस तरह का कैंसर है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और डॉक्टर आपको बता पाएंगे, जब आपकी रिपोर्ट्स देख पाएंगे तो पता चलेगा, वो भी तब जब आपका फर्स्ट टाइम कैंसर हो। अगर रिकरेंस हुआ है आपके कैंसर का, दोबारा से वापस आए हैं, तो फिर उसमें कोई टाइमिंग नहीं होती है। उसमें ये नहीं होता है कि आप इतने टाइम में ठीक हो जाएंगे, इतने टाइम में नहीं, तो उसका ये होता है कि आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर डॉक्टर देखते हैं कि किस ट्रीटमेंट का आप पे कितना असर हो रहा है, कितना आप रिकवर कर रहे हैं, तो उस चीज़ का रिकरेंस में टाइमिंग नहीं होती है। टाइमिंग होती है अगर आप फर्स्ट टाइम आपको कैंसर हुआ है, उसमें बता सकते हैं अच्छा आपका इस तरह की बीमारी, इसमें इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो इतना टाइम लगेगा। लेकिन अगर रिकरेंस हुआ है तो रिकरेंस में कोई टाइमिंग नहीं होती है कि आपको इतना ही टाइम लगने वाला है, उसमें आपका ट्रीटमेंट चलता है, फिर देखते रहते हैं कि कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने बताया, अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर है स्पेशली, तो उसमें आप कम से कम 10 से 11 महीने लेके चलिए। अगर आपका पूरा का पूरा एडवांस स्टेज में, जैसे ज़्यादा है तो सर्जरी, कीमो, रेडिएशन सब कुछ होना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ सर्जरी होनी है और साथ में रेडिएशन होने, कीमो नहीं होंगे, तो ये 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर कीमो लग रही है तो ये थोड़ा लंबा चलता है।
इसी तरह से डिपेंड करता है कहाँ पे कैंसर है, किस तरह का कैंसर है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको हेड एंड नेक का जो कैंसर है उसमें जो है 2 से 4 महीने लगते हैं, और अगर आपका चेस्ट और लंग्स का है तो उसमें 4 से 6 महीने लगते हैं ठीक होने में, और पेट आंत और ओवरी का है तो उसमें भी कम से कम 6 महीने लगते हैं, और अगर आपके बच्चेदानी का है तो उसमें भी आपको 6 महीने लगेंगे रिकवर करने में। अगर आपको प्रोस्टेट या बोन का कैंसर हो गया है, हड्डियों का कैंसर हो गया है, तो ये थोड़ा लंबा चलता है, इसमें आपको हो सकता है 1 से 1.5 साल या 2 साल भी लग सकता है ठीक होने में। जैसे मैंने आपको बताया जिस टाइप की आपकी बीमारी है, कहाँ आपको कैंसर है, ये डिपेंड करता है, किस टाइप की आपकी बीमारी है ये डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। अगर मैं अपनी बात करूँ, ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है मुझे 10 से 11 महीने कंप्लीट 11 महीने पूरे लगे थे, और उसके बाद फॉलोअप होता है वो तो डिपेंड करता है, वो आपको हर महीने स्टार्टिंग में हर महीने जाना होता है, फिर 3 महीने में जाना होता है, फिर 6 महीने, अब जैसे मुझे 5 साल हो गए, अब साल में मैं एक बार जाती हूँ, ये तो डिपेंड करता है कब तक डॉक्टर आपको बुलाते हैं, तो फॉलोअप के लिए जाना होता है, वो अलग से फॉलोअप का वीडियो कि कैंसर का इलाज कितने दिन तक चलता है जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।